सो आप में से काफी सारे लोग का अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि मैं अपनी YouTube वीडियोस में बैकग्राउंड में एक वीडियो चलता रहता है और उसी वीडियो के ऊपर मेरा जो फेस कैम वाला वीडियो है वो आपको सर्कल क्रॉप इफेक्ट में जो है वो दिखाई देता है। तो आखिर ये जो है मैं अपनी YouTube वीडियोस में कैसे एडिट करता हूँ, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूँ कि मैं जो अपनी YouTube वीडियोस है उसे जो है वो लैपटॉप से एडिट करता हूँ और जो मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है वो भी मेरे लैपटॉप में ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ये जो सर्कल क्रॉप वाला इफेक्ट है ये अपनी YouTube वीडियोस में कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास कोई भी एक बैकग्राउंड वीडियो हो तो आप उसी वीडियो के ऊपर अपना भी फेस कैम या कोई दूसरा वीडियो जो है वो इसी तरह से आप भी जो है वो सर्कल क्रॉप इफेक्ट में जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर जो है वो काइनमास्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो अगर आप सेम प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप काइनमास्टर को जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी आपको बड़े आराम से ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड वाला वीडियो ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जाता हूँ और एक वीडियो उठा लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए। अब यहाँ पर मान के चलिए मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाने के लिए ये वाला वीडियो ले लिया है, जहाँ पर ये वीडियो इस तरह से कुछ चलेगा और इसी वीडियो के ऊपर मैं आप सभी को एक वीडियो जो है वो सर्कल क्रॉप इफेक्ट में ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारा मैन बैकग्राउंड वाला वीडियो। अब हमें सेकेंडली जाना है लेयर के ऑप्शन पे। लेयर के ऑप्शन में जाने के बाद हमें मीडिया पर जाना है और मीडिया में जाने के बाद हमें वापस से एक और वीडियो ले लेना है, जिस वीडियो में हम वो क्रॉप इफेक्ट जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो ये वाला वीडियो जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि वीडियो हमने इस वीडियो के अपने बैकग्राउंड वाले वीडियो के ऊपर इस वीडियो को लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमेशा जो बैकग्राउंड वाली वीडियो है उसको पहले ऐड करना है और जिस वीडियो में आपको सर्कल क्रॉप वाला इफेक्ट ऐड करना है उसको आपको हमेशा बाद में ऐड करना है। अब यहाँ से आपको सिंपली इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉपिंग के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक मास्क का ऑप्शन बंद दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इसे जो है वो इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आपको शेप में चले जाना है और यहाँ पर आपको राउंड वाला शेप देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पर सिलेक्ट करने के बाद ही आप देख सकते हैं आपकी वीडियो जो है वो पूरी तरह से सर्कल नहीं है। तो इसको पूरी तरह से कैसे सर्कल बनाना है वो भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फीडर का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको सिंपली इसे कुछ भी नहीं करना है। आप यहां पर देखेंगे कि आपका ये जो वीडियो है इसमें आपको चारों तरफ एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली किसी भी एक कॉर्नर वाले ऑप्शन पे ऐसे अपने फिंगर को रखना है और उसे तब तक ऐसे साइड में ड्रैग करना है जब तक ये आपका पूरी तरह से सर्कल नहीं बन जाता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वो पूरी तरह से सर्कल बन चुका है और जो पीछे वाली वीडियो है आप उसको ऐसे हाथों से ऐसे इधर उधर स्लाइड करके आप उसे इस तरह से फेस के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें मुझे दोनों ही पर्सन के फेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो आपको एकदम से ना दिखाई दें, वो हल्का सा फेड होके दिखाई दें, तो यहाँ पर ये जो फीडर वाला ऑप्शन है आप इसको ऑन कर सकते हैं। इससे आपको जो है वो डायरेक्ट ऐसे लाइनिंग नहीं दिखेगी, आपकी जो दोनों वीडियो हैं वो कॉर्नर कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी मिक्स हो जाएंगी। तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद सिंपली आपको इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आप इसे बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसे जहाँ चाहें वहाँ अपनी वीडियो में ऐसे ड्रैग करके लगा सकते हैं। और मैं अभी आपको इसको प्ले करके भी दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको वापस से बैक चले जाना है और यहाँ पर प्ले के ऑप्शन पर जैसे ही आप दबाएंगे आप देखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड में एक दूसरा वीडियो चल रहा है और उसके ऊपर जो है वो हमें ये वाला वीडियो जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी दो वीडियो को लेकर एक वीडियो को आप बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं और दूसरे वीडियो को आप उसी वीडियो के ऊपर जो है वो एज अ क्रॉप इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर सेव में चले जाना है और अपनी वीडियो को सेव एज वीडियो कर लेना है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।